पेट्रोल व डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि केंद्र सरकार कोविड 19 व महंगाई पर काबू पाने में असफल रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गरीब जनता के पैसों को इकट्ठा कर कहां खर्च कर रही है, इसका हिसाब उन्हें देना चाहिए। आज विक्रम पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को विरोध करते हुए इसको सरकार तुरंत वापस ले, ये मांग के लिए हमारे आदरणीय अध्यक्षा सोनिया जी गांधी और हमारे आदरणीय नेता राहुल जी गांधी के नेतृत्व और आह्वान पर हर प्रदेश में ये आंदोलन आज सांकेतिक तौर पे पेट्रोल पंप के बाहर किया जा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में और हर जिले में ये आंदोलन हो रहा है। आज शिमला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भाई कुलदीप राठौर जी और हमारे सीएलपी लीडर और विरोधी पक्ष नेता भाई मुकेश अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में ये आंदोलन आज हम कर रहे हैं। ये आज जो जनता की भावना है, एक तरफ से कोविड की मार है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरीके से कोविड को मैनेज करने में विफल रही है। वहीं विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि आज महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। कोविड में महंगाई की दोहरी मार जनता पर पड़ी है। पिछले एक साल के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतों में 25 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे गरीब जनता का जीना दुभर हो गया है। सरकार के सस्ते राशन की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जिसके खिलाफ आज कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। पेट्रोल और डीजल के जो रेट्स हैं, जिस ढंग से बड़े हैं, पिछले एक साल में ये जो है 25 रुपए महंगा हुआ है। और आज जबकि हमारा सांकेतिक धरना है, आज भी रेट बढ़े हैं, रोजाना रेट बढ़ रहे हैं। और इस सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, हिमाचल की सरकार ने हमेशा से ये कहा था कि हम महंगाई पे लगाम लगाएंगे। हमारे ऊना में देखना था, जिला में 90 रुपये से आसपास पेट्रोल है और 83-84 रुपये के आसपास डीजल है। तो जिस ढंग से इसमें इजाफा हुआ है, उसके खिलाफ जनता बोलने लगी है, और इसलिए हम सड़कों पे उतर रहे हैं सारे नियमों का पालन करते हुए। इसी ढंग से जो गैस के रेट हैं, आप देख रहे हैं 900 रुपये का सिलेंडर हो गया है, सीमेंट जो है 425 रुपये बोरी हो गई है, सरिया 7000 को पहुंच गया है। अभी अदानी के तेल की बोतल में अभी देख रहा था, मुझे अभी किसी ने फोटो भेजी, 214 रुपये की तेल की बोतल है, 210 उसकी। तो ये जो जिस ढंग से रेट बढ़े हैं, और हमारा तो जो सस्ते राशन के डिपो की स्कीम थी, वही चरमरा गई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि रोजमर्रा की जरूरी सामान की कीमतें आसमान छू रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम है, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी कोरोना कर्फ्यू का पालन करते हुए प्रदर्शन कर रही है। यह एक सांकेतिक धरना है। सरकार अगर कीमतों को कम नहीं करती है तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस समय जो क्रूड ऑयल है वो सस्ता है, लेकिन डीजल और पेट्रोल महंगा हो रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वो देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त क्रूड ऑयल के बहुत दाम बढ़े, लेकिन उन्होंने डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए। जबकि ये सरकार जो है लगातार दाम बढ़ा रही है, इससे जनता में रोष है। हमने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर निर्णय लिया है कि आज जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हम प्रदर्शन करेंगे। ये हमारा प्रदर्शन सांकेतिक होगा। थोड़ा पीछे, आप जानते हैं कि इस वक्त प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, धारा 144 है, 5 से ज़्यादा लोग असेंबल नहीं होंगे। तो हमने ये निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में हमारे जो 5 लोग हैं, वो डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ जो है, पेट्रोल पंपों में जाकर धरना देंगे।